लगभग सभी मेजर स्मार्टफोन कंपनीज फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पर फोकस करने के बाद अब बजट स्मार्टफोन कैटेगरीज पर फोकस कर रही हैं। और देखा जाए तो हाल ही में आपने देखा ही कि नथिंग का फ़ोन 2A लॉन्च हुआ है, फिर उसके बाद आईकू का Z9 लॉन्च हुआ है, और आईकू के Z9 की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आईकू Z9 5G का एक डिटेल्ड रिव्यू। शुरुआत कीमत से करते हैं तो आईकू Z9 5G के 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपये, और 8GB प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत है 22,000 रुपये। दो कलर वेरिएंट में ये स्मार्टफोन आता है, एक ग्रीन और एक ये है ब्लू। तो हमारे पास जैसा कि आपको अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस में दिखाया था कि ये ब्लू कलर हमारे पास रिव्यू के लिए आया है और 256GB वाला वेरिएंट है। हालांकि इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज भी मिलती है जिसे आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं। और इस स्मार्टफोन के अगर हम लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो वाकई दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है, और जिस तरीके से आईकू के Z सीरीज़ के स्मार्टफोन से वैसा ही डिज़ाइन इसका मिलता जुलता देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आईकू लिखा गया है, और इसका जो बैक पैनल है इतना ज़्यादा प्रीमियम है कि धूप के समय अगर आप कुछ इस तरीके से हिलाते हैं इसे तो ये चमकता हुआ नज़र आता है। बाकी कैमरे की पोजीशनिंग इंटीग्रेशन काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर OIS लिखा गया है क्योंकि इसमें आपको 50MP का मेन कैमरा मिलता है जो कि OIS के साथ आता है। इसके अलावा अगर आप फ्रंट लुक देखते हैं तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है काफ़ी बढ़िया है, 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और इसी में ही आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। आईकू Z9 को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसे पकड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है, और ये 7.83mm स्लीक है, नहीं नहीं 188 ग्राम इसका वेट है, यानी कि काफ़ी हल्का है और इजी टू यूज़ है। इसके अलावा इसमें आपको IP54 वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आईकू Z9 में आपको 6.67 इंच की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और ये डिस्प्ले 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। साथ ही इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अगर आप दिन के समय में या तेज़ धूप में इस स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो पर्याप्त है। इतना ही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी आप तेज़ धूप में इजीली देख सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि इस स्क्रीन पर आपको ड्रैगन टेल स्टार 2 का ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर। जैसे कि शुरुआत में बताया कि 50MP का मेन सेंसर मिल जाता है जो कि OIS के साथ आता है। साथ ही साथ दूसरा कैमरा जो है वो 2MP का मिलता है, डेप्थ सेंसर के साथ आता है, और फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाता है। और अगर आप रियर कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिन के समय में तो ये कैमरा अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, लेकिन रात के समय में और लो लाइट फोटोग्राफी में आपको उतने बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े से एवरेज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप दिन के समय जो फोटोज क्लिक करते हैं, खासकर इसका पोर्ट्रेट मोड, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फोटोज़ क्लिक करता हुआ नज़र आता है। फोटोज़ में कलर्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डेप्थ उतनी ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिलती है। और सेल्फी कैमरे की अगर फोटोग्राफी देखते हैं तो वहाँ से भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रात के समय और लो लाइट में बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ओवरऑल देखा जाए ना, आपको जो ऑनर का X9B है उसके मुकाबले तो थोड़ी सी बेहतर ही फोटोग्राफी आपको देखने को मिलती है। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आपको ठीक ठाक वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। देखा जाए तो इस प्राइस ब्रैकेट में जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं लगभग वैसे ही आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो आईकू Z9 में आपको 5000mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है, साथ ही साथ 44W का चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। अब अगर आप दिन भर गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, या फिर फ्री टाइम पर नेटफ्लिक्स वगैरह भी देख लेते हैं, तो ऐसे में ये स्मार्टफोन आपको ईजिली एक दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। आईकू Z9 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का प्रोसेसर मिल जाता है, और यही प्रोसेसर ना देखा जाए तो इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाले सभी स्मार्टफोन्स में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। इतना ही नहीं, इसमें आपको माली G610 GPU का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही दो वेरियंट्स, जैसा कि शुरुआत में बताया, दोनों ही वेरियंट्स LPDDR4X RAM के साथ आते हैं, साथ ही UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आते हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए Antutu या फिर Geekbench 6 की स्कोरिंग देखते हैं ना, तो वाकई ये स्मार्टफोन
ऑनर का ना टूटने वाला X9B के मुकाबले बहुत अच्छे स्कोर देता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप ये समझो कि ऑनर का X9B के मुकाबले इसकी जो परफॉर्मेंस है वो वाकई लाजवाब है। और ऐप्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। इतना ही नहीं, अगर आप गेम्स खेलते हैं और देर देर तक गेम्स खेलते हैं, खासकर एसफॉल्ट 6 या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप, तो ऐसे में भी ये स्मार्टफोन आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत देता हुआ नज़र नहीं आता है। हालांकि थोड़ा बहुत हीट होता है, लेकिन वो हीट को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करता हुआ नज़र आता है। Z9 में आपको फन टच OS 14 बेस्ड एंड्रॉयड 14 मिलता है, तो ऐसे में इस स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल्ड हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स मिल जाती हैं। तो अब उनमें से कुछ ऐप्स तो ऐसी हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और ये दिक्कत ना सिर्फ iQOO के स्मार्टफोन में ही नहीं है, आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिलने वाले बहुत सारे स्मार्टफोन में ये दिक्कत देखने को मिलती है। आखिर हम बात करते हैं iQOO Z9 5G को खरीदा जाए या नहीं। तो जिस प्राइस पॉइंट पर कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये स्मार्टफोन एक परफेक्ट पैकेज के साथ साबित होता है। और देखा जाए तो आपको काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। ओवरऑल आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि iQOO Z9 5G स्मार्टफोन उनके लिए खरीदने लायक है या नहीं है।